और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की सैंपलिंग हुई जारी। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों की हो रही सैंपलिंग। FSW वैन के जरिए मौके पर ही हो रही नमूनों की जांच। भेंगा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कई दुकानों का लिया सैंपल। 33 खाद्य पदार्थों के नमूने में 8 नमूने सैंपल टेस्ट में हुए फेल। खड़ी हल्दी, काली मिर्च, बेसन, जीरा आदि के नमूने फेल। जांच रिपोर्ट के आधार पर दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा व औषध प्रशासन मंजूषा सिंह ने बताया कि दीपावली व आगामी पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस को स्वच्छ व स्वास्थ्यप्रद खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के क्रम में आयुक्त खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर अजय कुमार द्विवेदी जिलाधिकारी के निर्देशानुसार FSW वैन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा मंगल भट्टा चौराहा तहसील भिनगा में खाद्य कारोबारीकर्ताओं को प्रशिक्षण व जागरूक करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मसूर दाल, धनिया, साबुत, पेड़ा, बूंदी, लड्डू, बेसन, अरहर दाल, काली मिर्च, जीरा, लौंग, हल्दी पाउडर, पानी आदि के 33 नमूने जाँच किए गए, जिनमें से 8 नमूने हल्दी, काली मिर्च, बेसन, जीरा मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, जिन्हें मौके पर ही खाद्य कारोबारकर्ताओं को जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया तथा उन्हें खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के संबंध में जागरूक किया गया। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की ये तस्वीरें, जहां पर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई, जिसमें 8 नमूने फेल पाए गए। लगातार त्यौहार के मद्देनज़र खाद्य विभाग, स्वच्छता विभाग की टीम कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा में कार्यवाही की गई। साथ ही अधिकारी ने बताया कि पूरे ज़िले में सैंपलिंग किए जाएंगे, लोगों के यहाँ पहुँचकर जांच की जाएगी।